गोवा जाओगे तो टैटू बनवाने का मन सबको पड़ता है, क्योंकि हर जगह टैटू की दुकानें हैं, स्पेशली बीच के किनारे। आज मैं आपको एक रियल घटना बताऊंगी कैसे बहुत स्मार्ट तरीके से फूल बनाते हैं, और वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने उन पॉइंट्स के बारे में भी बताया है जिससे वे टैटू बनाकर फूल बनाते हैं। पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे देती हूँ। हाय, वेलकम टू ऑल, आप सभी का मेरे चैनल गोवा ब्लॉगर इंटर में स्वागत है। आज मैं आपको गोवा में टैटू बनवाने में कितने पैसे लगते हैं और वो लोग आपको कैसे फूल बनाते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं गोवा की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँ। सबसे ज्यादा टैटू की शॉप आपको बागर बीच एंड कलंगुट बीच में मिलेंगी, और यहीं पर आपको रोड पर घूमते हुए या टैटू शॉप के सामने खड़े होकर चिल्लाते रहेंगे, सर आपको टैटू बनवाना है क्या? वे लोग बोलेंगे सर आप बनवा लो, थोड़ा कम कर देंगे सर, आप प्लीज अंदर चल के देख तो लो। और अगर आप लोग अंदर एक बार चले गए तो समझ लो आप लोग उनके चंगुल पे फंस गए। दुकान के अंदर जाने के बाद वो लोग पूछेंगे सर आपको कैसे बनवाना है, कितना बड़ा बनवाना है, या आपको कुछ टैटू की फोटो दिखा देंगे। और अगर आप लोगों ने टैटू बनवा लिया तो आपका बिल 1000 से 1500 तक बना देंगे। यह घटना भी एक रियल है। अगर आपको इस घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप 100% टैटू बनवाने के चक्कर में लुट जाओगी। हम लोग बागा बीच के किनारे घूम रहे थे, वहाँ पर बहुत सारी टैटू की शॉप हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे एजेंट टाइप के लोग घूम रहे हैं और बोल रहे हैं सर 20 रुपये पर इंच टैटू, और कोई बोल रहा है 10 रुपये पर इंच टैटू। हम लोग सोचे नॉर्मल एक छोटा सा टैटू बनवाना है, 100 से 150 रुपये में हो जाएगा, और ये भी सोचा कि बहुत सारी दुकानें हैं इसलिए रेट कम या फिर इतना ही होता होगा, क्योंकि पहली बार टैटू बनवाना था। हम लोग दुकान के अंदर गए, भाई साहब ने बहुत कुछ दिखाया। मेरे हबी ने बोले बस एक एंकर बना दो, उसने बोला सर थोड़ा बड़ा बनवाओ नहीं दिखेगा। नहीं, सही बात है, छोटा होगा तो नहीं दिखेगा। टैटू बन गया, पेमेंट का नंबर आया तो बोला 480 रुपये हुआ। हबी ने बोला भाई इतना कैसे, तब उसने बोला 20 रुपये इंच होता है सर, 10 रुपये में चॉकलेट भी नहीं मिलती। और उसने बोला कि सर 12 इंच का है ये, मतलब 480 रुपये हो गए, उसने बोला। और बताया मेजरमेंट लंबाई इंटू चौड़ाई, मीन्स एक इंच लंबा है तो एक इंच चौड़ा भी काउंट करते हैं। ऐसे ही टैटू का मेजरमेंट सभी करते हैं, मीन्स एरिया निकालते हैं। अब हबी ने बोला भाई 12 इंच कैसे हुआ, और मैं भी और हम दोनों के अलावा वहाँ पर 6 से 7 लोग थे जो उन्हीं के एजेंट थे। हस्बैंड मेरे सोच में पड़ गए, क्योंकि जब आप लेडीज लोगों के साथ होते हैं तो थोड़ा सा डर लगता ही है, वो भी दूसरे स्टेट में। हबी ने बोला मैं नहीं दूंगा, तो फिर से मेजरमेंट लो, फिर से 12 इंच आया, मीन्स टोटल 480 हुआ। हबी कुछ देर बाद बोले अपना स्केल दिखाओ, उसने स्केल दिखाया तो उसमें काउंटिंग प्योर हिंदी में लिखी थी, नॉन हिंदी पार्टी तो समझ ही नहीं पाएंगे। और वो स्केल लकड़ी की थी जिसमें इंच की लाइन और सारी लाइनें पेन से खींचा गया था। हबी ने ये सब देखने के बाद बोला आपने सुना ही होगा आजकल 5 इंच की और 5.5 इंच के मोबाइल आते हैं, उसने बोला हाँ सर। हबी ने अपना मोबाइल टैटू के ऊपर रख कर देखा तो मोबाइल से छोटा था टैटू। हबी ने बोला लगभग 4 इंच है, देख लो, मीन्स अगर एरिया निकालेंगे तो 4 × 40 मीन्स 160 रुपी, उसने बोला सर हम पिछले 10 साल से यही कर रहे हैं। हबी ने बोला कि ऐसे फूल बना रहे हो लेकिन मैं 160 से ज़्यादा 1 रुपये नहीं दूंगा। तब तक उसके जो एजेंट और सारे लोग गलत गलत बोलने लगे। हबी ने बोला मैं पुलिस में हूँ, सबको अंदर कराऊंगा। तब वो चुप हुए और हबी ने 160 रुपये उन्हें दे दिया। पहली चीज पॉइंट की बात ये है कि पहले तो 20 रुपये बोलकर 40 रुपये लेंगे, क्योंकि मेजरमेंट लंबाई इंटू चौड़ाई में होती है, आप लोगों को ये पता नहीं होता है। मीन्स अगर वो 10 बोलते हैं तो समझ लो 20 रुपये इंच है टैटू का प्राइस। दूसरी चीज 1980 का वो लकड़ी का स्केल बनाते हैं। तीसरी चीज आपको कभी शक नहीं होगा कि ये लोग खुद अपनी स्केल बनाते हैं और इंच का पैमाना खुद बनाते हैं।
इसलिए आप इन सब के बारे में जानकारी रखो जिससे कोई आपको फूल ना बना पाए। किसी बड़ी शॉप में जाओ और अपना टैटू बनवाओ या फिर बीच के पास टैटू मत बनवाओ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।